अब मने कई जगह काम भी तो करना उंदा हुआ देखो आरएलपी देखो आरएलपी लड़ती है किसी को मार देती है, नहीं लड़ती है किसी को मार देती है। आरएलपी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लड़ती है तो मारती है और नहीं लड़ती तो पक्का ही मारती है। नागौर में नहीं लड़ी, बुढ़ापा सुधर गया था, अगला न्याय होगा मेरा क्यों चलते सब राजी है। डाल जी खुश होगा ठीक, जरूरी है वो काम होना भी जरूरी है भाई। मजाक है बताओ, कांग्रेस की राजनीति करते करते बीजेपी की टिकट लेके आ गए तुरंत, और एक अरे मट्टे करो यहाँ हर जगह नहीं बजे ऐसे। आप मेरी बात सुनो, मुझे इतना सस्ता भी मत करो, क्यों करो ये? देखो जिनके जो किस्मत है वो सब अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपना कोई मकसद नहीं है, अपने लिए सब बच्चे हैं। और मैं कहता हूँ जो बीजेपी कांग्रेस के विधायक हैं, काम पड़े ठा पड़े, अपन जीत भी जाए तो अपन न्याल कौन करे, अपन तो अपना न्याल करी जगह मारे हाथ है जगह। मैं आपको और बता दूं एक बात, मैं निर्दलीय जीता हूँ, मेरी पार्टी आरएलपी जीत गया, मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। निर्दलीय तो वो जिनकी पार्टी नहीं है, तो मान्यता प्राप्त दल है, राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल है। अभी राजस्थान में किसी दल को मान्यता नहीं मिली, आरएलपी पहला दल है जिसे राजस्थान में मान्यता मिली, और 10 साल के लिए बोतल रिजर्व है आपकी 10 साल। तो अब आप बताओ जी, जो ताकत खींचर के लोगों के अंदर है वो ताकत राजस्थान की किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं है। बदल जाते हैं, स्विंग हो जाते, पलटी मार जाते, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, संघर्ष करो हम आपके साथ है, ठापड़े लारू निकलना। तो आप ही हो ताकतवर भाई, तो भी निर्दलीय जीते ना 5, 7, 8, 10। ये कल सुबह देखना कि बिना मांगे बीजेपी को समर्थन देंगे, इनको राज में बैठने की औकात नहीं है, राज में बैठेंगे जाके, मैं जानता हूं इनको, अपना भाग जाएंगे, एक डिप्टी एसडीएम और एक थानेदार और बिजनेस के लिए। तो जनता के साथ इससे बड़ा क्या धोखा होगा बताओ, मुझे कहां बैठना है चलो आप बताओ, चलो तो बता दीजिए पहले, मैं भी साहब में बैठ जाऊं, थे कहो तो माटा ही बढ़ जाऊं कटे यार, मुझे आपकी रखवाली करनी है, इसे मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। थाने चिंता करने की जरूरत नहीं, क्यों सर मैं आपकी खूब चलेगी, अभी जो चले ना इसे ज्यादा चलेगी, आप चिंता ना, ठीक है। मैं कहीं रहूं कहीं बैठूं उसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकास भी चलेगा, काम भी होगा। अभी हमें आगे भी ध्यान रखना सारा, लोकसभा का चुनाव भी आएगा, पूरे राजस्थान में चुनाव आएंगे। आप ये क्यों सोच रहे हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट लिए, आज जो वोट पड़े उसके अंदर एमएलए हो सकता है कि अपन एक ही जीते हैं, टक्कर में रह गए, कई जगह हार गए, कई परिस्थितियां होती है, आप समझते हो सर, दो ही लहर चल रही थी राजस्थान में, क्योंकि जब तीसरा कोई था ही नहीं तो दो ही लहर चलेगी, दो ही लहर चली, एक लहर चली कांग्रेस की और एक चली बीजेपी की, वोट बंट गया, जो कांग्रेस कल्चर का वोट था वो कांग्रेस में चला गया, और बीजेपी माइंडेड वोट था वो बीजेपी में चला गया। आप देख लो ना हर विधानसभा में लो आउट के अंदर हमने सतनारायण जी की सभाएं करी, 40-40 हजार लोगों की सभाएं, और तीसरे नंबर रह गए। आप बताओ कांग्रेस को दिखी नहीं रही थी, कांग्रेस के कितने वोट आए, जाइल सीट पे आप देखिए कांग्रेस थर्ड नंबर लग रही थी, 2, 1500, 1800 वोट से आ रही है। कई जगह आप देखोगे राजस्थान में एक एक सीट का गणित बिठाओगे, लोगों ने कहा आपको तीसरा तो है नहीं, तो फिर अपनी जगह क्यों छोड़ो, वहीं लग जाओ, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी है ही नहीं कोई थर्ड, ये तो मैं हूं, और मैं इसलिए हूं आप मजबूत हो। देखो हजारों की तादाद में बैठे हो, अभी भी रात को कितनी बजी है, 10। ये आप ही ताकत है कि जबरदस्ती जुलूस निकाल देते हो, जबरदस्ती घुस जाते हो, ताकत नहीं राजस्थान में दूसरे लोगों में, देखा राजस्थान घूम घूम के देखा मैंने राजस्थान, धौलपुर से लेके गंगानगर और डूंगरपुर से लेके बाड़मेर तक, तो दिखा दिया आप लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत चाहे 2000 से और 15000 से और 25000 का आनंद भी लिया, 2 का भी लिया 2 लाख का भी ले लिया लोकसभा का, पिताजी 77 में बने 90 तक बने, हार गए जीत गए विपक्ष में रहे जीवन के 77 से 43 साल, ये चुनाव हो गया 13वां 14वां एमएलए एमपी का चुनाव, मेरे परिवार का एक किसान परिवार ने 13-14 चुनाव विधानसभा लोकसभा के अंदर लड़े, और आपने जब नारायण को विधायक बनाया तो आप राजस्थान में ये बात नहीं चल रही थी परिवारवाद, आपने कहा अगर हनुमान जी का भाई खड़ा होगा तो ही हम वोट देंगे नहीं तो नहीं देंगे, नाराज हो गए थे आप उस समय, और मैं लड़ाया चुनाव और जीता दिया आपने, आज आपने इसका रिकॉर्ड मेरा तोड़ दिया, ये जीता था शायद 4% मेरे को ले आप 2000,
ये खुश हो रहा था कि मारो नहीं चाहेगा ठीक रहे फिर ज्यादा क्या ज्यादा क्या मैं तो थे 2000 जीते ना। ये थोड़ा परेशान हो गया था जब ये मेरे पास 13वें राउंड के अंदर आया, जब 13-14 राउंड गड़बड़ हो गया था तो मेरे पास आया तो विचलित था। मैंने विचलित होने की जरूरत नहीं, अपन 4,044 से आगे चल रहे, 15वां जो राउंड है उसमें मैंने जो जो बताया, मैंने 1000 से हारेंगे, 1200 से हारेंगे, फिर 400 से जीतेंगे, फिर बराबर रहेंगे। कहीं जनाना दिख रहा था, कहीं ग्वालू थी तो कहीं खजवाना था, कहीं हार थी तो कहीं जीत भी थी। फिर चांदा पट्टी के अंदर मैंने कहा इसमें 18 राउंड में 1200-1300 से हारेंगे, हार तैरने मैंने कहा फिर अपन 2100-2000 से जीत जाएंगे। ये मैंने 15 मैंने कहा शांत रहो, गड़बड़ होगा ही नहीं, गड़बड़ हो भी जाएगी मैं तो एमपी हूँ भाई, हार भी जाऊंगा तो सांसद तो मैं ही हूँ, 4-6 महीने तो बैठा ही रहूंगा। लेकिन आप चिंता मत करो क्या हार जाए वहां पर, एक यही हाव है जी हरिंदर जी, तो आपका थाको मन हो जो निकल का ठीक हो गो बुढ़ापो सुधर को थाको मन होगा और वह काम होगा। बदना में झेल रहे राजस्थान में झेला कौन झेला, लोग कहां ले गए 75-74-78। वैसे सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड खींचर में सेकंड नंबर में वोटों का वो तो किसका रह गया, हरिंदर जी का रह गया, कितने आए थे 78 कितने 73 और उस समय कितने आए थे 78, तो उससे भी आगे निकल गए।